अगर बाहर पकड़ा गया था तो माय डैड न्यू कि मैं अंदर ही बैठा हूं। वो डायरेक्ट अंदर आ गए, रोक तो नहीं सकता था, अच्छा खासा हाइट था डैडी का। There was this one day when I think his father found out that he's not being, everything is bullshit. Unfortunately, उनको मेरी वो स्कूटर दिख गई कैफे के बाहर। डैडी बाहर पूछ रहे सेड है क्या? मैंने सेड तो नहीं है, स्टार्टिंग में बचाने का कोशिश तो करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। कॉज मेरा स्कूटर बाहर पकड़ा गया था तो माय डैड न्यू कि मैं अंदर ही बैठा हूं। वो डायरेक्ट अंदर आ गए, रोक तो नहीं सकता था, अच्छा खासा हाइट था डैडी का। अंदर आए, देखा सेड को, पुल्ड हिम आउट ऑफ दैट साइबर कैफे एंड स्लैप्ड हिम ऑन द रोड। नॉर्मली हम लोग ने लोगों को कैफे के अंदर ही पिटते हुए देखा है, तो आई गेस थोड़ी सी लाज बचा ली थी मेरे डैड ने, कैफे के अंदर नहीं पीटा, ही वेटेड टिल मैं बाहर नहीं जाऊँ। और फिर बाहर जाने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा पीटा था, और फिर वही रो रो के मैं मार खा के वो स्कूटर चला के घर गया था। जब वो नाइन्थ में था उसको था कि मैं आईआईटी कोचिंग शुरू करूं, तो उसको आईआईटी एंड एआई ट्रिपल ई की कोचिंग थी। ही वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो जब उसका रिजल्ट लगा ट्वेल्थ के बाद, जब हम नेक्स्ट डे लाइक हमें जाना था, अगली रात उसने मुझे बुलाया एंड ही टोल्ड मी, देखो इंजीनियरिंग मेरे से नहीं होने वाला, मुझे पसंद ही नहीं है, मैं फेल होता रहूंगा। एंड आई वाज लाइक कि मतलब पागल हो क्या, इतना पढ़ाई किया है एंड मेरे लिए मतलब, तो उसके बाद क्या करेगा। आई क्राइड लाइक एनी थिंग कि ये क्या है, मतलब ये तो मेरा सपना तोड़ रहा है। देन आई थॉट कि ये मेरे सपने के लिए नहीं है। और फिर मम्मी ने प्रॉपरली आके मेरे को पूछी करना क्या है तेरे को एग्जैक्टली तो मैंने बताया कि ये गेम्स में मेरे को कुछ करना है, तो अगर गेम्स डिजाइनिंग या किसी चीज़ में अगर मैं जाता हूँ तो अच्छा रहेगा। वो टाइम पर एक जनरल कंसेप्शन ये था कि मिसकंसेप्शन यू कुड से कि गेमिंग अगर करना है तो गेम डिजाइनिंग सीख लो। तो मेरे मॉम का पॉइंट ये था कि अगर तेरे को गेम्स डिजाइनिंग करना ही है, तभी एक ही कॉलेज था इंडिया में जिसका नाम था DSK पुणे में जो है, बट उसके फीस इतने ज़्यादा हाई थे कि मेरी मॉम ने बोला कि इतने ही अगर मेरे को खर्चा करना है तो यू माइट एज वेल गो आउट एंड यू स्टडी इन मलेशिया। बट वो मलेशिया का बाद में UK हो गया। उस समय मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि उसको अब्रॉड भेजूँ, बट आई हैड अ क्लियर डिटर्मिनेशन कि नहीं, जो उसको चाहिए उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। तो देन आई मेड अप माई माइंड, काउंसलर से गई, SBI से लोन लिया अगेंस्ट द हाउस वी लिव्ड इन टू सेंड मी टू द UK। भाई 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 जो एक्चुअल ई स्पोर्ट्स मुझे पता चला वॉज वेन आई मूव टू द UK इन 2009, और वहाँ पे वेन आई स्टार्टेड प्लेइंग दिस गेम कॉल्ड लीग ऑफ लेजेंड्स। सो लीग ऑफ लेजेंड्स तभी ये हुआ था कि डोटा एंड लीग ऑफ लेजेंड्स आर वेरी सिमिलर गेम। मैं जब डोटा खेलना शुरू किया था आई वॉज नॉट वेरी गुड एट इट, बट जब मैं UK गया लीग ऑफ लेजेंड्स जस्ट अभी लॉन्च हुआ था, तो आई फिगर्ड कि सिंस आई ऑल्सो हैव आई एम स्टार्टिंग द गेम विद एवरीबडी एल्स एट द सेम टाइम आई कुड एक्चुअली गेट वेरी वेरी गुड ब्रो एंड मे बी यू नो आई थिंक आई स्टार्टेड इन 2009 एंड फर्स्ट फ्यू सीजंस आई वाज सुपर बैड एट द गेम, आई हैड द वर्स्ट रैंक पॉसिबल। टाइम पे मैं 9 साल का था, वी टुक इट वेरी सीरियसली, आई स्टार्टेड इंप्रूविंग एट द गेम, आई वाज इनफैक्ट the first diamond player from India, oh, was like high, high ranking, which was a very high ranking back then. Hi. The real break I got in esports, and which is why I have a tattoo on my arm of that Monkey King, Wukong naam hai uska, or I was very very good at that character and I had a specific move jo main apne opponents ko confuse karne ke liye use karta tha. Aur wahan se jo mujhe lag raha tha ki mere life ka मोस्ट कम्फर्टेबल पार्ट शुरू होने वाला है, वॉज टर्नड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ आई हैड टू गो थ्रू इन दोस ऑलमोस्ट 4 years। जो बिजनेस के वजह से मुझे वहाँ पे मम्मी पैसे भेज रही थी, जो मेरे फादर संभालते थे वो टाइम पे, ही कम्प्लीटली लॉस दैट बिजनेस। इट बेसिकली वेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ मनी अ मंथ टू 0 मनी अ मंथ। और फिर वहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया, और जो काम मैंने किए वहाँ पे आई थिंक मेड मी हुआ आई एम टूडे। उसने मैकडी में किया है, उसने गाड़ियाँ धोई है, उसने लंदन में जो ट्रीज पे स्नो आता है उसको साफ करना होता है, कार पे गिरा हुआ स्नोफॉल होता है तो वो किया है। मैंने मीट फैक्ट्रीज, वी हैड 12 आवर शिफ्ट्स विद 1 आवर ब्रेक्स इन बिटवीन खड़े होके, मैंने डिस्क पैकिंग किया है, मैंने मीट पैक किया है, मैंने बिस्किट फैक्ट्रीज में काम किया है, कंस्ट्रक्शन में भी काम किया, मैंने वो सीमेंट में भी लगाया है। The obstacles, the challenges that he has faced, damn bro, the way he has met those obstacles, made sure he's tackled those obstacles, I think that is what has made Sid who Sid is at the moment. Damn bro.
मार्च 2013 में आई वॉज इन मस्कत. आई वॉज वर्किंग अ सेल्स जॉब फॉर अ कंपनी दैट मेड क्लीनिंग केमिकल्स फॉर फैक्ट्रीज. गुड मनी, ग्रेट मनी इन फैक्ट, बट नहीं रह पाया मैं वहाँ पे क्योंकि इंटरनेट लैग होता था वहाँ पे. फिर से वो स्ट्रगल चालू हुआ, फिर से मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ. एट द सेम टाइम मेरा लीग ऑफ लेजेंड्स का स्ट्रगल चल ही रहा था, तो तभी मुझे एक टीम मिला था जिसका सैलरी था 5,000 रुपये पर मंथ. इट वॉज अनहर्ड ऑफ इन इंडिया, 5,000 रुपये पर मंथ. एंड आई एम द सेम किड हु वॉज मेकिंग ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपीज अ मंथ अ कपल ऑफ मंथ्स अगो इन अ डिफरेंट कंट्री. बट आई वॉज हैप्पी विद द फैक्ट दैट मेरे को 5,000 का नौकरी मिला है गेम खेलने के लिए. इट वॉज नेवर अबाउट मनी. इनफैक्ट मैंने उसको कभी नहीं पूछा था कि तुम्हें कितने मिलते हैं, क्योंकि घर चलाना सवाल नहीं था. बट उसको खुद को क्या बोलते हैं, प्रूव करना था और वो कर रहा था. सो कभी उसके सामने एज अ पेरेंट मैंने ये नहीं रखा था कि तुम्हें इतने कमाना है या अभी तुम्हें शादी करना है, ये करना है. नहीं, फोकस ऑन योर करियर, जो तुम्हारा ड्रीम है वो करो. नेकब्रेक वो टाइम पे वाज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज इन इंडिया जो अपने प्लेयर्स को पे कर रहा था. इवन दो इट वॉज 5 or 10,000, इट वॉज 5 or 10,000 मोर देन एवरीबडी एल्स, राइट? क्योंकि और ये सैलरी वॉज अनहर्ड ऑफ बैक देन फॉर प्लेइंग गेम्स. तो मेरे को एक बार खबर आया कि ही इज थिंकिंग ऑफ शटिंग डाउन हिज ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही डजंट हैव एनीबडी टू मैनेज द टीम. तब मेरे को लगा कि वो टाइम अच्छा नहीं था. सो आई वॉजेंट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ टू बी ऑनेस्ट, बट मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इंडियन ई स्पोर्ट्स के लिए अच्छा टाइम नहीं है अगर नेकब्रेक अभी बंद होता है तो, क्योंकि इट विल अफेक्ट द सीन एज अ होल. एक लोगों को एक्सपेक्टेशन थी वो ऑर्गेनाइजेशन से, विच इज़ वाई आई ऑफर्ड हिम. मैंने आई थिंक आई माइट इवन फाइंड द सेम मैसेजेस ऑन फेसबुक. मैंने बोला था कि मेरे को सैलरी मत देना, मैं मैनेज करूँगा पूरा तुम्हारा जितने भी रोस्टर्स है जो भी करना मैं मैनेज करूँगा, कंपनी बंद मत करो. फिर वो धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम प्लेयर टू मैनेजर. दिस गाय सडनली टेलिंग मी कि मैनेज करो. एंड जो मेन टर्निंग पॉइंट था जब मैंने बोला कि नहीं मेरे को और कुछ करना है, वॉज वेन अ टीम आई मैनेज्ड, अ टीम आई मेड इन लास्ट मिनट क्वालिफाइड फॉर इंटरनेशनल इवेंट इन मलेशिया. जब मेरे को पता चला कि मैं किसी एक आई एम गोइंग टू मलेशिया ऑन अ स्पॉन्सर्ड ट्रिप पेड फॉर बाय समबडी एल्स एंड आई एम गोइंग टू गो एंड प्ले देयर एंड रिप्रेजेंट माय कंट्री, तब मैंने बोला कि बस अभी भले मैं 5,000 कमाऊँ या 10,000 कमाऊँ, मेरे को यही करना है. दैट वॉज लाइक द टर्निंग पॉइंट. फिर मैंने सब छोड़ दिया, फिर देयर वॉज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट. तो देयर वॉज दिस गाय जो एंटिटी का जो ओनर था, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था इन पुणे. एंटिटी के टाइम में तो वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई वॉज अ पार्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स. इतने ट्रॉफीज, हम लोग 2-3 बार रशिया जा चुके हैं, हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इन वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स एंड गेम्स. और फिर वहाँ से सडनली BGMI आया मेरे लाइफ में. और फिर जब मैं फर्स्ट वो लैंड पे गया 2019 में हुआ था, मैंने देखा कि कितना पब्लिक है यहाँ पे. तब मैंने देखा, मैंने शुरू किया रिसर्चिंग कि प्लेयर्स कौन है, क्या होता है ये पूरा सीन. और फिर 2019 वाज द फर्स्ट इवेंट आई वेंट टू. और फिर उसके बाद मैंने बोला कि बस यही करना है, क्योंकि स्कोप ज़्यादा दिख रहा था उसमें ऑफ गेटिंग इंटरनेशनल ग्लोरी फॉर इंडिया. तो जब लोगों का एक्चुअली जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आने के बाद मेरे को मिला, फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आई वॉज लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट है कंप्लीट करना है, इतना इजी मनी आ जाएगा कर लेंगे. तो वो मैं वही कर रहा था, वैल्यू वगैरह स्ट्रीम करके सिर्फ आवर्स कंप्लीट करने के लिए. फिर सडनली आई थिंक एक बार मावी का स्ट्रीम था इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, जब मैंने उसका स्ट्रीम मेरे स्ट्रीम पर चलाया था. ऐसे बैठ के ऐसे खेलते, ये बेंचो सोफे पे लेटता है, ऐसे लेटता है, ऐसे फ़ोन रखता है, फिर भी 7 किल 8 किल 6 किल पता नहीं कैसे मैनेज करते. देखो पिलो लेके बैठा हुआ है. और मैं उसके स्ट्रीम को वॉच पार्टी कर रहा था, फर्स्ट स्ट्रीम था वो मेरा. और मेरी वॉचिंग गई सडनली कुछ 7,000 10,000, उसकी वॉचिंग पूरी मेरे पास आ गई. उनको मैं भी देखने मिल रहा था और उनको मावी भी देखने मिल रहा था. फिर वहाँ से मेरे को समझा कि मैं कर सकता हूँ कुछ. और वहाँ से वो जनरल वॉच पार्टीज वगैरह का ट्रेंड चालू हुआ. लोगों पे मैं ज़्यादा फोकस किया क्योंकि वहाँ से आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड आई हैड माई ओन फेस टू सेल एंड नॉट समबडी एल्सिस फेसेस. तो इसके लिए एक जनरल मेरे को कनेक्ट होता था लोगों के साथ व्हेन आई स्ट्रीम देयर. ऐसा नाच रहा है भाई.
ये मेरा थीम म्यूजिक बनने रहा था। मैं जब लोगों के साथ बात करता था ऐसा लगता था कि खुद से कुछ कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ माई प्लेयर और वो सब। आई थिंक लोगों इन जनरल जितने भी इन्फ्लुएंसर्स और जितने भी स्ट्रीमर्स उनके पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली लोको हैज मेड देम फाइनेंशियली, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। बहुत सारे नए स्ट्रीमर्स को वो लोग ने सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा, इवन दो वो लोग के पास यूट्यूब पे इतने बड़े नंबर्स नहीं है, बट दे आर स्टिल ऑनबोर्डेड ऑन लोको एज सॉर्ट ऑफ अ स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म, दे आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज एंड दिस मनी डेफिनेटली हेल्प्स। यू नो वी नोबडी यूजुअली टॉक्स अबाउट द मनी एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग। यप, when you support a small streamer or a new player, it definitely helps. Guys, loco up in the chat. Additional source of income aa jata hai. 100% true. 100%. The scene grows when the streamer grows, obviously loco also grows. But when the streamer grows, the game around him grows. Lal mulo mulo jo dusri tisri ke liye jo sangat seed bro ko main janta hu. तर एवढी मजा येते की काय बघते, त्याने मला जो फोन दिला होता ना ते बघून ते माझ्या पाठी लागायचे, माझ्यावर फोन बरोबर फोटो काढायचे। अरे भाई भाई येतात कुठून येतात, इथे गावदेवे तरी आला ना टॅक्सीतून उतरला की लगेच त्यांना कळतं कुठून बघतात आणि कसे। आणि आमची बिल्डिंग 39 फ्लोर आहे ना, बरेच फॅन्स आहेत त्याचे इथे बिल्डिंग मध्ये पण। भाई भाई भाई, व्हेनेवर आय गो ऑन द फील्ड, व्हेनेवर आय प्ले, व्हेनेवर आय मीट एनीबडी, द फर्स्ट थिंग दे आस्क मी इज हाउ डू यू नो सिड, because whether it's entity gaming or SATUL, you know, organizations have changed, but the person or the stature that he has in the esports industry, that has not changed, that has only grown. So for me to hear other cricketers who are playing in the current IPL seasons or India cricketers, them coming to me and talking about a person who, you know, I've actually seen grow, not just in age but in stature as well, that's commendable and that actually is a very proud feeling for me. मुझे बहुत सारे crazy bro, क्या हमने गेमिंग खेलने देना चाहिए या क्या हमने उनको करियर गेमिंग चुनने देना चाहिए, और मुझे लगता है कि यस देना चाहिए, बिकॉज गेमिंग में बहुत सारे ऑप्शन है, स्टडीज भी इंपॉर्टेंट है, वो भी करो, अगर आप आधा घंटा पढ़ते हो चार घंटे आप गेमिंग करो नो प्रॉब्लम, बट आप दोनों को बैलेंस करते हो। मेरे ख्याल से फिज ने वो बैलेंस किया था, उसने स्टडीज छोड़े नहीं थे या स्टडीज में वो फेलियर नहीं था, सो उसने वो बैलेंस करके वो आगे गया। These guys are the ones who have actually laid that foundation to make sure that that happens. I think there are in general दो टाइप के स्ट्रीमर्स होते हैं। एक होता है जिसका गेम बहुत अच्छा होता है, जिसका गेम देखने लोग आते हैं। एक होता है प्योर एंटरटेनर, जिसकी लोग बातें सुनने आते हैं। इफ यू आर एबल टू क्रैक बोथ ऑफ दीज टूगेदर देन यू आर अनस्टॉपेबल। अगर आप एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हो तो द ओनली एडवाइस आई कैन गिव एंड विच आई फॉलो इज जस्ट बी योर सेल्फ ऑन स्ट्रीम। अगर आप एक ई-स्पोर्ट्स एस्पायरेंट हो, यू वांट टू गेट इनटू ई-स्पोर्ट्स, डोंट आस्क मी हाउ टू डू इट, स्टार्ट समवेयर। डैम ब्रो, क्रेजी भाई, क्रेजी भाई, मजा आ गया भाई, सिड भाई मैड रिस्पेक्ट भाई, मैड रिस्पेक्ट, क्रेजी भाई, मजा आ गया। गाइस किसी को अगर ये देखने का है वापस, मैं तो वापस देखूंगा, अगर किसी को वापस देखने का है ना, तो ये अपने लोको पे ही लोको ओरिजिनल्स बोल के एक चैनल है,